Hello, friends, welcome back. And uh, today I am going to deep clean this washing machine, and also I am going to clean and organize this messy laundry space. You can see how uh, messy it is looking right now. So, I am going to organize it and do the deep cleaning of this washing machine. So, let's get started. या yeah, सो so, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो भी हम डिटर्जेंट यूज़ करते हैं वो थोड़ा यहाँ पे फंस जाता है तो पहले क्लीनिंग हम इसकी करेंगे तो ये बीच में एक बटन है यहाँ पे आप ऐसे प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये जो बॉक्स uh, है वो बाहर आ जाएगा ये देखिए जस्ट लाइक दिस तो आप इसको बाहर निकाल लें और उसके बाद इसकी क्लीनिंग अच्छे से कर दें तो मैं तो जनरली uh, इसमें ऑलरेडी सर्फ लगा रहता है तो मैं उसको वैसे भी क्लीन कर देती हूँ और ये देखिए आप जो अंदर का पार्ट है वो आप देख सकते हैं थोड़ा वहाँ पे भी गंदगी रहती है तो उसको भी हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे अच्छे से किसी भी टूथब्रश पुराने टूथब्रश के हेल्प से अच्छे से इसको साफ़ कर लें और ये बहुत इजीली निकल जाता है कुछ भी जो भी थोड़ा बहुत भी सर्फ के पार्टिकल्स रहेंगे वो निकल जाएंगे और आपको इसके बाद एक बार और इसको अच्छे से वॉश कर देना है और जब तक ये इधर मैंने ड्राई करने के लिए रखा है एक बार मैं ये अंदर में भी क्लीन कर लेती हूँ ताकि कुछ सर्फ पार्टिकल्स हो वो भी अच्छे से निकल जाए और ये पोषने के बाद मैं वापस से इसको इसमें ऐसे ही लगा दे रही हूँ ये देखिए वहाँ पे एक स्पेस सा बना हुआ है जहाँ पे बस आपको इसको फिट कर देना है और जस्ट पुश कर दीजिए ये वापस से चला जाता है तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है सो फर्स्ट पार्ट हो गया है नाउ सेकेंड पार्ट तो ये जो वॉशिंग मशीन के नीचे एक ऐसे छोटा सा डोर के जैसे रहता है आप इसको एक बार अगर ओपन करेंगे ये देखिए इसको बिल्कुल इस तरीके से अगर आप यहाँ से खोलेंगे केयरफुल रहना है अगर आप चाहिए तो नीचे कुछ कपड़ा या कुछ भी रख सकते क्योंकि इसमें से बहुत सारा पानी निकलने वाला है ये देखिए और जो भी पानी बाहर आउटलेट से नहीं जा पाता है वो यहाँ पे स्टोर हो जाता है तो इसे भी हमें बीच बीच में साफ़ कर लेना चाहिए लाइक like दिस और आप देख सकते हैं यहाँ से कितनी गंदगी निकल रही है ये देखिए तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ एटलीस्ट मंथली वंस तो मैं क्लीन कर ही लेती हूँ और उसके बाद भी उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि ये कितना ब्लैक ब्लैक सा निकल रहा है तो एक बार अच्छे से उसको क्लीन कर लेना है और ये क्लीन करने के बाद साथ ही में आप देख सकते हैं जस्ट इसके एक नेक्स्ट साइड में ये एक ये एक छोटी सी पाइप की जैसी है सो so, मैं इसको भी खोल के एक बार साथ साफ़ कर लूँगी क्योंकि इसमें से भी कभी कभी पानी निकलता है सो so, ये देखिए अभी इसको मैं भी इसको भी एक बार अच्छे से साफ़ कर लेंगे और उसके बाद उसका भी नोज़ल बंद करके वापस जैसे लगा हुआ था वैसे ही लगा देंगे तो so, ऐसे अगर आप क्लीन करते रहेंगे तो आपकी वॉशिंग मशीन का डेफ़िनेटली लाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाने वाला है और कहीं से भी कोई भी रस्ट या कोई भी लीकेज की आ, कोई भी ऐसे कंप्लेन नहीं आने वाली है सो so, ये देखिए इसको भी मैंने ऐसे पोच लिया है और बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है जो आप जहाँ से जैसे निकालें उसको वहीं पर ऐसे एक बार मैंने इसको ट्विस्ट करके लगा दिया और वापस से मैं इसको यहाँ पे जो ऐसे ग्रिप दी हुई है वहाँ पे मैं इसको ऑलरेडी ऐसे फँसा दूँगी ये बस और ये हो गया और इसके बाद बस एक बार और फाइनली क्लीन कर लेंगे और क्लीन करने के बाद ये जो नोजल्स मैंने उसमें से निकाला था आपने देखा होगा जो ट्विस्ट करके निकाला अभी मैंने इसको मैं एक बार और अच्छे से वॉश कर लूँगी क्योंकि इसमें भी ये वाटर के स्टेन लग जाते हैं तो उसको भी अच्छे से धो लूँगी और धोने के बाद मैं वापस से यहाँ पे इसको ऐसे बंद कर दूंगी और अब ये थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की क्लीनिंग करेंगे हम तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे जनरली बहुत ही ज़्यादा ये ऐसे गंदगी सी निकल रही है क्योंकि ये जो रबर का एरिया होता है वहाँ पे जनरली कोई भी कॉइंस या कुछ भी अगर कपड़े से निकल रहा है तो वो वहाँ जनरली आके फंस जाता है और उसको तो वीकली एक बार साफ़ करना ही चाहिए क्योंकि इतनी मैं मंथली सफ़ाई करती हूँ और बीच में एक बार पंद्रह दिन पे मैं इसको भी कर लेती हूँ फिर भी आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गंदी निकल रही है बिकॉज जो भी कपड़ों से जो भी गंदगी निकलती है कुछ भी डस्ट हुआ या कुछ भी तो वो जाके यहाँ पर फंस जाता है और इसीलिए यहाँ पर सफ़ाई करते रहना तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप एवरी लोड के बाद आप इसको साफ़ करें तो वो ज़्यादा ही बेटर रहेगा और उसके साथ ही एक बार हम ड्रम की भी क्लीनिंग कर लेंगे अच्छे से तो आ, मैंने ये कपड़े को दूसरे साइड कर लिया है सो दैट कि गंदगी अंदर ना चली जाए और एक बार इस ड्रम को भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे मैं इस ड्रम को डिओड्राइज़ करने के लिए विनेगर डाल देती हूँ जो हमारा लिक्विड डिटर्जेंट वाला वो टैब रहता है उस साइड में सो दैट कि अच्छे से पानी से मिक्स होकर रिंस कर देती हूँ ताकि वो अच्छे से डिओड्राइज हो जाए या फिर कभी कभी जो मार्केट में अवेलेबल होता है डिसकेलेट करके मैं वो भी यूज़ करती हूँ और इससे ड्रम को क्लीन करें तो वो बिल्कुल चमकदार रहता है जैसे कि आप देख सक रहे हैं मेरा जो भी ये ड्रम है वो बिल्कुल क्लीन एंड शाइनी है तो आप उससे डिओड्राइज भी कर सकते हैं और डी स्केल भी कर सकते हैं तो एक बार हम इस ड्रम की भी अच्छे से सफाई कर लेते हैं और अब वॉशिंग मशीन को कर लेते हैं बाहर से क्लीन तो मैं यूज़ कर रही हूँ मिस्टर मासिल्स आप चाहें तो आ, कोलिन भी यूज़ कर सकते हैं और बस इसको अच्छे से स्प्रे करके और एक बार मैं एक क्लीन कपड़े से क्लीन कर लूंगी और ड्रम की सफाई के बाद अभी हमें जो फिफ्थ पार्ट है ऑफ वॉशिंग मशीन टू तो क्लीन इज ये जो पीछे में एक टैप के जैसे रहता है जहाँ से पानी का फ्लो आता है ठीक है तो यहाँ पे मैंने एक वो सॉफ्टनर लगा रखा है सो दैट की हार्ड वाटर जो है वो मेरे मशीन को डैमेज ना करे तो ये जनरली मैं इयरली चेंज करवाती हूँ तो उस समय वो जो मैकेनिक आता है वही इसको क्लीन करके साफ़ कर देता है मैं जनरली नहीं कर पाती हूँ जस्ट टू अवॉयड एनी डिस्टर्बेंस uh, सो uh, so, यहाँ पे मैं इसकी सफ़ाई नहीं कर पाती हूँ बट जनरली खोल के अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो एक नेट के जैसे रहता है बस उसको निकाल के और ब्रश से हमें क्लीन कर लेना रहता है बट सिंस वहाँ पे वो सॉफ़्टनर लगा हुआ है मैं इसको अभी ओपन नहीं करूँगी और इसके बाद हमने ये सारी सफाई कर ली और अब ये जो मेसी एरिया है इसको भी हम थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो उसके लिए मैं यहाँ पे पड़े हुए इस कार्टन बॉक्स का ही यूज़ करने वाली हूँ अभी ये आ, दो इट इज़ अनलॉक फेज बट स्टिल बाहर जाना उतना सेफ नहीं है और घर पे ही कुछ चीज़ें रहे जिसको हम अपसाइकिल करके कुछ बना सकते हैं तो मैं अभी वही करने वाली हूँ मैं इस कार्टन बॉक्स से और कुछ चार्ट पेपर्स थे तो मैं उनसे यूज़ करने वाली हूँ सो बिफ़ोर आई शो यू वॉट आई मेड आउट ऑफ दैट कार्टन बॉक्स मैं एक बार दिखाना चाहती हूँ कि ये कितने अच्छे से चमक गया है ये देख सकते हैं आप बिल्कुल ही शाइनी हो चुका है ये जो आ, ग्लास आ, का जो ये फ्रंट डोर रहता है और वैसे ही पूरी वॉशिंग मशीन भी अच्छे से शाइन कर रही है ये आप देखिए और जब हम किसी चीज़ को क्लीन करते हैं तो सामान तो क्लीन हो जाता है चमक आ जाती है बट हमें जो अच्छा लगता है हम जो फ़ील करते हैं वो लेकिन वो बातों में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं और ये देखिए ये मैंने बस उस कार्टन बॉक्स को आ, कुछ आ, जो भी चार्ट पेपर्स थे उससे कवर करके मैंने ये ऐसे एक बॉक्स बना लिया है और जिसमें मैंने सारे ये लॉन्ड्री से रिलेटेड सामान मैंने यहाँ रख लिए हैं आ, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो लॉन्ड्री से रिलेटेड नहीं ले है बट वो मुझे बालकनी में यूज़ आती हैं सो मैंने वहाँ पर रखा है और आप ये देख सकते हैं मैंने उसके अंदर एक छोटा बॉक्स भी फिक्स कर दिया है जिसमें मैंने ये सारे जो क्लिप्स होते हैं मैंने वो रख लिए हैं और थोड़ा सा एक अच्छा सा लुक देने के लिए मैंने यहाँ पे एक प्लांट रख लिया है और आप देख सकते हैं वो मेसी स्पेस इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है मैंने यहाँ वॉशिंग मशीन के ऊपर बस एक नेट का टेबल क्लॉथ था वो मैंने रख दिया है जो आप देख सकते हैं बिल्कुल ही लाइटिश पिंक कलर का है जो आ, थोड़ा वाइट जैसा भी लग रहा है और उसको रखने के बाद मैंने जो वो कार्डबोर्ड का स्टोरेज बॉक्स बनाया है मैंने वो रख दिया है आप देख सकते हैं येलो और रेड कलर के आ, पेपर से मैंने बनाया है आप चाहें तो यहाँ पे कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं अगर कोई आपके पास आ, आ, कपड़े का टुकड़ा हो तो आप वो भी चाहे तो इसमें लगा सकते हैं और ये सारी चीज़ें जो लॉन्ड्री से रिलेटेड है या जो बालकनी में मुझे चाहिए होती है अक्सर वो चीज़ें मैंने यहाँ पे रख ली है और ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक छोटा सा मैंने स्पाइडर मैन प्लांट रख लिया है और आप ये देख सकते हो एक लुक पूरे स्पेस का जो मेरा लॉन्ड्री स्पेस है ये देखिए राइट साइड में आपको एक मनी प्लांट दिख रहा है जो मैं हमेशा यहाँ रखती हूँ और ये जो मैंने अभी ऑर्गेनाइज किया है ये मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आई होप आप लोगों को भी ये बहुत अच्छा लगे और कैसा लगा ये मेरा जो क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग वीडियो है इसको लाइक करके ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा और इसी के साथ मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर स्टे होम स्टे सेफ थैंक यू